रवीना टंडन और अक्षय की सगाई तक हो गई थी, लेकिन खिलाड़ी का दिल किसी और पर आ गया। रवीना बॉलीवुड में जितना अपनी फिल्मों के लिए पॉपुलर रही, उतनी ही बातें उनके और अक्षय कुमार के अफेयर पर भी हुई। 1994 में रवीना की फिल्म मोहरा आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रवीना और अक्षय कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना पर फिल्माया गया गाना तू चीज बड़ी है मस्त इतना मशहूर हुआ कि रवीना को ही मस्त मस्त गर्ल का खिताब दे दिया गया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके अफेयर को लेकर खबरों का बाजार गर्म था। उस दौरान एक मशहूर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में रवीना ने बताया था कि मोहरा की शूटिंग के बाद वो और अक्षय शादी करने वाले थे। उस दौरान रवीना बी टाउन जानी मानी एक ट्रेस बन चुकी थी। अक्षय से पहले रवीना टंडन का अफेयर कमल सदाना के साथ सुर्खियों में रहा, लेकिन ये अफेयर आगे बढ़ता उससे पहले ही रवीना की लाइफ में अक्की की एंट्री हो गई। मस्त मस्त रवीना और अक्की प्यार में डूबते चले गए और 90s में इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी तहलका मचा रही थी। अक्षय और रवीना स्क्रीन पर सुपरहिट थे और इसलिए ये दोनों एक साथ कई सारी फिल्में साइन कर डाली। फिल्मी पर्दे पर ये जोड़ी जितनी तेजी से बनी उतनी ही तेजी रियल लाइफ में भी आई। अक्की ने रवीना से कहा कि वही वो लड़की है जिससे अक्षय शादी करना चाहते हैं। अक्षय के मम्मी पापा रवीना के घर गए और दोनों का रिश्ता तक तय कर दिया। मुंबई के वर्सोवा शिव मंदिर में अक्की और रवीना ने चोरी छिपे एंगेजमेंट कर ली। रवीना तो बड़े गर्व के साथ अक्की से अपने एंगेजमेंट की बात बताती, लेकिन खिलाड़ी कुमार इस बात को छुपाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि रवीना से एंगेजमेंट की खबर सुनकर उनकी फीमेल फैंस कम हो जाएगी। रवीना टंडन अक्षय पर भरोसा करती थी, उन्हें लगने लगा था कि जल्द ही अक्की उनके साथ साथ फेरे ले लेंगे, लेकिन उसी दौरान उन्हें अक्षय का एक सनसनीखेज सच पता चला। रवीना की माने तो उसी दौरान अक्षय ने दो और लड़कियों से कर रखी थी एंगेजमेंट। जब जब उनकी अक्षय से लड़ाई हो जाती थी तो वो किसी और से एंगेजमेंट कर लेते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने स्टार प्लस पर आए एक इंटरव्यू में किया था। रवीना को ये भी पता चला कि अब तक कई लड़कियों को अक्षय मुंबई के वर्सोवा वाले शिव मंदिर में ले जा चुके हैं, वहां उनसे शादी का वादा कर चुके हैं। अक्षय की चीटिंग से परेशान हो चुकी थी रवीना, लेकिन हर बार अक्की उनसे माफी मांग लेते। रवीना अब तक अक्षय को माफ करती रही, लेकिन खिलाड़ी ने जब एक और बड़ा स्कैंडल किया तो रवीना का सब्र टूट गया। 1996 में अक्षय और रवीना की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी आई थी। इस फिल्म में विलेन के रोल में थी मैडम एक्स रेखा। रेखा के साथ अक्षय ने नो कंट्रोल सॉन्ग क्या किया, वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए और तब रवीना ने अक्षय और रेखा के बीच अफेयर का आरोप लगाया था। उन्होंने अक्की को रेखा के साथ रोमांस करते रंगे हाथों पकड़ा था। उस दौरान मीडिया में अक्की और रेखा के रोमांस के खूब हुए चर्चे। अक्की की लाइफ में रेखा नाम की पहेली क्या आई, रवीना हमेशा के लिए चली गई। बस यहीं से खत्म हो गई रवीना से उनकी मोहब्बत, टूट गई मंगनी, कांच तोड़े और दोनों बन गए एक दूसरे के दुश्मन। रवीना खिलाड़ी के इस खेल को आसानी से नहीं भूलने वाली थी। उन्होंने तो अक्षय का पूरी तरह से कर दिया पर्दाफाश, उनका हर कच्चा चिट्ठा मीडिया में खोल कर रख दिया। रवीना ने तो अक्षय का नाम रेखा ही नहीं सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के साथ भी जोड़ दिया। रवीना ने उस दौरान कई मैगजीन्स में अक्की का राज खोलते हुए कहा कि उन्होंने सुष्मिता और ऐश्वर्या के साथ भी अक्की को रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि बाद के दिनों में ऐश्वर्या ने रवीना के इस बयान को उनके लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा बकवास बताया। कहा तो ये भी जाता है रवीना कई बार अक्षय की फिल्मों के सेट पर पहुंच जाती और हंगामा करती, उन्हें बदनाम करती, लेकिन खिलाड़ी कुमार चुप रहते, रवीना पर कुछ भी बोलने से बचते हैं। अक्षय और रवीना में आज तक बातचीत नहीं होती। अक्षय के अलावा रवीना टंडन का नाम कमल सदाना, अजय देवगन एयर सनी देओल से भी जोड़ा। फिलहाल रवीना फिल्मों से दूर है, लेकिन पार्टियों और टीवी शोज में अक्सर नजर आ जाती हैं। अपने पति अनिल थडानी के साथ रवीना मुंबई में ही रहती हैं।